दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाला है क्योंकि आज बात करेंगे ऐसे अघोर मंत्रों के बारे में जो आप ये मान के सकते हैं कि वो पशु तंत्र में आते हैं, यानी जानवर से जुड़ी हुई जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, उनको प्राप्त करने की जो विधियाँ हैं उनको हम पशु तंत्र में रखते हैं और ये बहुत ज़्यादा अचूक और भयानक, बहुत ही भयंकर सिद्धि वाली होती हैं और इनकी शक्तियाँ भी अजीब तरह की होती हैं। और पहली बार जो हमें भेजते हैं, अब वो नाम पता तो अपने बताते नहीं हैं, लेकिन मैं उन खैर उन्हें जानता हूँ लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, वो अधिकतर इस तरह की सिद्धियाँ हैं भेजते रहते हैं और इस बार उन्होंने अघोर मंत्रों के रूप में इन्हीं पशु तंत्र की सिद्धियों को भेजा है। तो आज का एपिसोड ज़रूर देखिए और बिल्ली, खासतौर से बिल्ली और अश्व यानी कि घोड़ा, मर्जरी जो होती है वो बिल्ली होती है और अश्वजनी की जो होता है घोड़ा, उससे जुड़ी हुई अद्भुत शक्तियों के संबंध में आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये है क्या, मर्जरी तंत्र क्या है और अश्व जिह्वा तंत्र क्या है, इसकी सिद्धि कैसे की जाती है और ये कितनी अधिक शक्तिशाली हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पुराने जमे में असुर लोग इनकी सिद्धियाँ कर लेते थे और फिर इन सिद्धियों के द्वारा वो कुछ भी करने में समर्थ हो जाते थे। तो ये एक प्रकार से अघोर तंत्र का भी पार्ट है, अश्व या जो आपके पशु तंत्र है उसका भी भाग है और असुर तंत्र का भी भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं मंत्र से, अघोर मंत्र जो इन्होंने भेजा है। पहले नमो रुद्राय, नमो रुद्र रूपाय, नमो बहु रूपाय, नमो विश्वाम, नमो विश्व रूपाय, नमो नमस्तत् पुरुषाय, नमो यक्षाय नमः, एक नाथाय नमः, एक रोमाय नमः, एक शागाय नमः, नमो वरलाय, नमस्त्रच्छाय, नमो तद् तुद तुद स्वाहा। तो ये मंत्र है। इसी तरह मर्जिका, जो मार्जरिका यानी कि बिल्ली जिसे कहते हैं, उसका जो मंत्र है वो इस प्रकार से है कि मर्जमान उल किस्ता, ये बिल्ली नाल की सिद्धि का मंत्र कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके पत्र को पढ़ते हैं। शीर्षक, मार्जरी तंत्र और अश्व जिह्वा के दुर्लभ प्रयोग एवं चमत्कार मेरे द्वारा प्रमाणित, यानी इन्होंने इसको किया हुआ भी है। संबोधन, सर्वप्रथम गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम तथा धर्म रहस्य के प्रिय दर्शकों को भी मेरी ओर से सादर प्रणाम एवं शुभेच्छा। भले ही मैं लोगों के मध्य अब लाइव नहीं आता हूँ, लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं अवश्य कुछ दुर्लभ साधना या प्रयोग लोगों को भेंट करता रहता हूँ। आज मैं फिर से एक नहीं अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाली विधि या कहें कि गुप्त विद्या को उजागर करने जा रहा हूँ। मैं पहले भी यह कह चुका हूँ कि मैं जो भी चीज़ आपको भेंट करता हूँ सबसे पहले मैं स्वयं उसका प्रयोग करता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के मध्य लेकर उसको आता हूँ। और आज भी मैं वही विद्या के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिसके बारे में लोगों को बहुत कुछ सुन रखा है लेकिन ना तो उसका लाभ उठा पाए हैं और ना तो उस विद्या की सही विधि विधान और मंत्र उनको मिल पाया है। और आज मैं उसी तंत्र के सभी रहस्यों के को आप सबके बीच उजागर करूंगा ताकि आप सब इस तंत्र क्रिया का भरपूर लाभ उठा सके तथा दुष्ट और अध कचरे ज्ञान वाले तांत्रिकों के जाल में फंसने से आप लोग बचे। ईश्वर में सबको जो है समान कार्य की क्षमता प्रदान की है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत यानी कि उजागर कर लेता है उसी का जीवन संवर जाता है और व्यक्ति प्रगति की ओर बढ़ने लगता है। तो मैं बात करने वाला हूँ उस तंत्र विद्या की जिसका नाम है मार्जरी तंत्र। मार्जरी तंत्र के अंतर्गत 52 प्रकार के तंत्र, 52 प्रकार के मंत्र आते हैं। मार्जरी तंत्र संसार का सबसे बड़ा तंत्र कहा जाता है। मार्जरी का शाब्दिक अर्थ होता है बिल्ली। बिल्ली के ऊपर जो तांत्रिक, मांत्रिक और यांत्रिक क्रियाएं करके उसको सिद्ध कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस व्यक्ति की क्षमता के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। देखिए मित्रों, मेरे पास जितना ज्ञान है तथा मैं जितनी मैं अर्जित करता हूं वो सब मैं निस्वार्थ भाव से आपको समर्पित कर रहा हूं। मुझे जहां तक इस मार्जनी तंत्र का ज्ञान है वहां तक की पूरी विधि मैं आप लोगों को पूर्ण विधान के साथ भेजूंगा, लेकिन मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए।
मित्रों तथा साधक भाइयों, मुझे अभी केवल दो प्रकार के से प्रयोग करने का विधान मालूम है जो मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में जब मुझे इस तंत्र पूरा ज्ञान हो जाएगा तो अवश्य ही पूरा विधान आपके शब्द सामने भेंट करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं माजरी तंत्र से। तो सबसे पहले तो इनको बधाई, क्योंकि प्राचीन परंपरा जो हमारी नष्ट हो चुकी है और तंत्र विधियाँ और उनकी सिद्धियाँ जो नष्ट हो रही हैं उसको बचाने का इनका बहुत बड़ा प्रयास जारी है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारे चैनल को अपनी जितने भी अनुभूत ज्ञान है और जितना भी आप प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ से भी आप निकाल पा रहे हैं, वो ज़रूर भेजते रहिए, ताकि ऐसा जितना भी पुराना हमारा ज्ञान है जो नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से जल गया या इसी तरह चीज़ों के माध्यम से कहीं खो गया है, वो फिर से प्राप्त किया जा सके। तो चलिए बात करते हैं आगे कि मार्जरी तंत्र में इन्होंने क्या बताया है। प्रथम प्रयोग है अक्षय धनपति बनने का प्रयोग, यानी आदित्य पैसे बनने वाले का प्रयोग, जैसे जिसके पास धन की कमी ना रह जाए। मित्रों, धन की महिमा युगों युगों से चली आ रही है और आज के समय में धन की आवश्यकता हर किसी को है, तो ये प्रयोग आप एक बार अवश्य करके देखिएगा। ये मेरे गुरुजी द्वारा मेरे खुद का प्रयोग और आजमाया हुआ दुर्लभ प्रयोग है तथा आज भी इसका लाभ मेरे मित्र और सगे संबंधी लेते रहते हैं। 100% ये काम करता है। किस तरह का प्रयोग है तो चलिए जानते हैं। ये प्रयोग अगर आप ईमानदारी के साथ करते हो तो मैं खुद गारंटी लेता हूँ कि आप धन संबंधी जितनी भी समस्याएँ हैं सब ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे रेत पर जल की बूंदें गायब हो जाया करती हैं। आजमा कर जरूर देखें और लाभ जरूर इसका उठाइए। आज सबने जो है बिल्ली की नाल के बारे में जरूर सुना होगा, जिसको बहुत लोग बिल्ली की जेर भी कहते हैं तथा देहात में लोग इसे बिल्ली की जो है खेड़ी भी बोला करते हैं। आज तक बिल्ली की नाल पर 60% लोग तांत्रिकों को धन देकर बिल्ली की नाल तो खरीद लेते हैं, लेकिन क्या सच में वो बिल्ली की नाल ही है? देखिए मित्रों, बिल्ली की नाल प्राप्त कर लेना बच्चों का खेल नहीं है। मुझे खुद इसके प्राप्त करने में 2 साल लग गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। बिल्ली की नाल प्राप्त करने का जो मेरा तरीका है वो तो जो मार्जरी है, मतलब इसका अर्थ होता है बिल्ली, और इसकी जो नाल प्राप्त करने को कहते हैं वो प्रक्रिया होती है कि जब आसपास कहीं पर भी बिल्ली बच्चे पैदा करने वाली हो तो आप काले वस्त्र धारण करके मादा बिल्ली का बच्चा उठा लें तथा उसे बच्चे को दूध दही सात्विक आहार दें। ध्यान रहे उसे मादा बिल्ली को गलती से भी मांस ना खिलाएं और ना खाने ही दें। 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा जब तक कि वह गर्भवती हो जाए, तो उसका और खास ख्याल रखें और समझ लें कि उसको इतना प्यार दो कि आपके सिवा वो रह ही ना पाए। सारा कार्य प्रेम से ही होता है। जब बिल्ली का प्रसव काल निकट हो तो उसके लिए रहने खाने की ऐसी व्यवस्था करें कि वह आपके कमरे में ही रहे तथा उसके ऊपर बराबर निगाह रखें। जिस समय वह बच्चे को जन्म दे रही हो सावधानी से उसकी रखवाली करें। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद ही उसके पेट से नाल यानी कि झिल्ली जो है निकलती है और स्वभावतः तुरंत ही उसे बिल्ली खा भी जाती है। बहुत कम लोग ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। अतः उपाय यह है कि जैसे ही बिल्ली के पेट से नाल बाहर आए उस पर काला कपड़ा ढक दे, तो जैसे ही बिल्ली शिथिल होगी उसका क्रोध भी अपने आप ही कम हो जाएगा। चाहे जो भी हो जाए लेकिन प्रसव के बाद उसकी नाल उठा ही लेनी चाहिए। जब नाल प्राप्त हो जाए तो उसको सिद्ध करने की विधि मैं आपको बतलाता हूँ। अब उस नाल को कड़ी धूप में खूब सुखा लें। 3 दिन तक खूब रखकर सुखाने से निश्चित रूप से चमड़े की तरह वो हो जाएगी। जब सूख जाए तो उसको हल्दी से पोत दें या हल्दी का जो चूर्ण है उसका लेप भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब आपको इसकी साधना करके इसको जागृत करना होगा। शुभ योग में पूर्ण पवित्र होकर ब्रह्म मुहूर्त में जब शुभ योग पड़े तब साधना आरंभ करें। काले ऊनी कंबल का आसन पर पवित्र स्थान पर बैठ करके या फिर एकांत कक्ष में बैठ करके इसकी साधना करनी है। आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके काले वस्त्र धारण करके तथा चैतन्य काले हकीक की माला से आपको जाप करना है। वज्रासन में बैठकर हल्दी के घोल से कंकटा देवी का यंत्र बनाएं या फिर अपने इष्ट देव का चित्र स्थापित करके पंचोपचार से पूजन करके तथा सफलता का आशीर्वाद लेकर एक माला इष्ट देव की
एक माला गुरु मंत्र की अवश्य जप कर लें तथा साधना काल में हल्दी के घोल से सुरक्षा घेरा अवश्य खींच लें। गुरु मंत्र से अभिनंदित कर लें कि नहीं तो सैकड़ों बिल्लियां आपके ऊपर हमला कर सकती हैं, तो सुरक्षा घेरा आप जो है इसमें जरूर बना लीजिए और अभिनंदित भी कर लीजिए। बहुत सारे नहीं तो बिल्लियां आपके ऊपर हमला कर सकती हैं। अब आपको बिल्ली की नाल को अपने बाएं हाथ में मुट्ठी से पूरा बंद कर लें। उसके बाद वज्रासन में बैठकर दाहिने हाथ से माला का 21 माला जाप करें तथा अपने मन में भाव रखें कि आपके सामने अकूत सोना चांदी रुपया इत्यादि संपत्ति पड़ी है। यही सब क्रिया आपको कुल 11 दिनों तक करनी है। 11वें दिन आपको इष्ट पूजन, गुरु पूजन और 21 माला के बजाय 25 माला करनी है तथा एक माला दारुद शरीफ की भी आपको इसमें करनी है। बस आपको सिद्धि मिल जाएगी। आप देखेंगे कि नाल का रंग अपने आप बदल जाएगा। नाल को हल्दी के घोल से नहला करके, हल्दी का चून लगाकर, धूप लोहबान की धुनी देकर आपको अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर लाल वस्त्र में लपेटकर इसको रख दें और 24 घंटे के अंदर अंदर आप चमत्कार अपने स्वयं आँखों से देखोगे कि आप कैसे तरक्की को अपना गुलाम बना लिया। यह मेरा खुद का किया हुआ है और मेरी यह यही राय है कि आप भी करके देख लो। इसमें असफल होने का कोई कारण ही नहीं है। इसका मंत्र विधि आपको कोई नहीं बता पाएगा। साधना करें और खुद चमत्कार देखो। इसका मंत्र अलग से भेज दिया है जो ऊपर आपको मिल ही गया है। मार्जरी तंत्र दूसरा, यानी दूसरा भाग, इसका किस प्रकार से दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीय प्रचंड प्रयोग जो है, ये एक दुर्लभ प्रयोग है। लुप्त होने का ज्ञान, इसमें लुप्त होने की ज्ञान की जो है व्याख्या की गई, किस प्रकार से लुप्त हुआ जा सकता है। तो ये कह रहे हैं, मित्रों प्राचीन काल से लोग कहते हैं और सुनते आ रहे हैं कि पहले के ऋषि मुनि वायु में लुप्त होकर साधना किया करते थे। लुप्त का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अदृश्य हो जाना होता है, यानी कि गायब हो जाना, यानी कि ओझल हो जाना, या यूं कहें कि किसी को भी दिखाई नहीं पड़ना। आज कड़ी मेहनत के पश्चात एवं स्व अनुसंधान प्रयोगों को दे जा रहा हूँ जो मार्जरी तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये प्रयोग भी है और मेरे द्वारा परीक्षित है। इसके लिए मैं यह कह सकता हूँ कि यह प्रयोग केवल योग्य गुरु की निगरानी में ही करो, अन्यथा हानि के जिम्मेदार आप स्वयं हो जाओगे और जान जा सकती है। ये क्रिया भी 1001% काम करती है। जिसको विश्वास नहीं हो वह आजमाकर इसकी ताकत को देख सकता है। तो इसकी विधि क्या है? एक ऐसी बिल्ली आपको लेके आनी है जिसके शरीर पर एक भी सफेद बाल ना। यह अवश्य ध्यान रखें कि सभी ये तंत्रों में कार्य करेगा। उस काली बिल्ली को अमावस्या के दिन घी तथा मक्खन इतना खिला दो कि वो उल्टी कर दे। ध्यान रहे उल्टी उठाकर किसी साफ बर्तन में लेकर उसको आग दिखाएं। जब आप आग पर उसे गर्म करोगे तो वो घी के समान हो जाएगा। अब तब आपको रात 12 बजे पूर्ण निर्वस्त्र होकर एकांत जंगल वाले स्थान पर दो नर मनुष्यों की खोपड़ी ला करके, एक खोपड़ी में वही उल्टा वाला द्रव डालकर कपास की रुई से बत्ती बनाकर जलाकर दूसरी खोपड़ी में काजल पारें। काजल पारते समय अघोर मंत्र का तब तक जो है जाप करें जब तक काजल तैयार ना हो जाए। उसके बाद इस काजल को तांबे के पात्र में निकाल लो। बस यह एक अदृश्य होना का प्रयोग है। तो अघोर मंत्र को आप इसमें 7 बार जपकर अपने नेत्रों में लगा लीजिए और चमत्कार देखेंगे कि आप स्वयं जो है लुप्त हो जाओगे, किसी को भी नज़र नहीं आओगे। किंतु ध्यान रहे, अदृश्य तो आप हो जाओगे लेकिन दृश्य में आने की विद्या का ज्ञान होना भी आपको चाहिए। दुरुपयोग होने के कारण अदृश्य में आने की विधान अभी नहीं दूंगा। जिसको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है उसे भविष्य में दिया जा सकता है। अघोर मंत्र अलग से भेज दिया है। अब इन्होंने यहाँ तक बता दिया कि किस प्रकार से जो मार्जरी तंत्र है, यानी कि बिल्ली तंत्र है, वो कार्य करता है। यह असुर तंत्र की श्रेणी में आता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ कि जब मैंने भैरवी साधना की थी तो बिल्ली के रूप में ही वो मौजूद रही थी। आप लोग जानते हैं, भाग 6 में आप लोगों ने सुना है। तो ये बिल्ली तंत्र इसीलिए बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। सिंह तंत्र के बाद बिल्ली तंत्र का असर सबसे शक्तिशाली होता है। अब चलिए बात करते हैं, इन्होंने भेजा है अश्व तंत्र के बारे में। तो अश्व जिह्वा प्रयोग का इन्होंने प्रयोग बताया है, तो चलिए जानते हैं अश्व जिह्वा का
चमत्कारी परीक्षित प्रयोग। इसका प्रयोग का तो मैं खुला चैलेंज रखता हूँ कि इसका प्रयोग बिल्ली की नाल से 50% अधिक प्रभावकारी होता है। यह प्रयोग मेरे जितने भी मित्र हैं सबका अनुभूत और प्रमाणित क्रिया है। मित्रों, अश्व को हैनान की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात दूसरों का हनन और अपना भरण करने वाला। कुदरती कला के अनुसार जब मादा घोड़ी प्रसव करती है तो उसके संपूर्ण शरीर की ऊर्जा होती है वो उसकी जिह्वा के उग्र भाग में चली जाती है, जिसके कारण अपने आप चमत्कारिक रूप से थोड़ा सा भाग जिह्वा का कटकर जमीन पर गिर पड़ता है, जो 15 मिनट तक अदृश्य रहता है। केवल मादा घोड़ी ही देख सकती है, किंतु उसका एक मूल मंत्र है जो जपने मात्र से आप उस जीव को देख पाएंगे, किंतु सावधानी पूर्वक उसे उठाकर 3-4 दिन कड़ी धूप में सुखाकर 11 दिन पूर्ण वर्णित विधान जो होता है उससे बिल्ली की नाल का विधान जिसे है उसी तरह, ठीक उसी तरह आपको ये भी करना होता है। केवल मंत्र इसमें अलग है, बाकी सब वैसे ही करना है। इसे भी हल्दी से लेप करके 25 माला जाप करनी है। 11वें दिन जप के बाद तांबे के ताबीज में भरकर धूप लोह बांध दिखाकर गले में लाल धागे के साथ धारण कर लें। उसके बाद इसका अश्व तंत्र का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। बहुत तीक्ष्ण प्रयोग है, मेरे तथा मेरे मित्रों ने इसका हर क्षेत्र में कार्य लिया है। आप भी एक बार आजमा कर देखो, चमत्कार से आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूं कि साधना स्वयं करो, स्वयं अनुभव करो कि क्या मैं प्रयोग वास्तव में सही है कि नहीं है। मेरी तरफ से यानी अपनी तरफ से लिख रहे हैं और बता रहे हैं, कह रहे हैं एक चेतावनी के साथ में कि कर गए तो कसरत और चूक गए तो मौत, यानी कि अगर आप इसे कर पाए तो कसरत की तरह कर लेंगे, लेकिन अगर चूक गए तो मृत्यु भी हो सकती है। तो अश्व जिह्वा सिद्ध मंत्र इस तरह से है, अश्व स्व ते तु हयाने ने सफले तु करे तुम किंग। अश्व जिह्वा दृश्य मंत्र जो है वो है प्रवश्य प्रच्छ अच्छ दृश्य दृश्य अच्छ अश्वेतु। तो इस प्रकार से ये आज इन्होंने जो है बहुत ही गोपनीय जानकारी दी है बिल्ली तंत्र के बारे में, मार्जरी तंत्र जिसे कहा जाता है, और अश्व तंत्र के बारे में। हर एक जीव के बारे में विशेष विशेष रूप से तंत्र हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। जैसे हस्ती तंत्र यानी कि हाँ जो हाथी होता है उसका तंत्र, सिंह तंत्र यानी शेर जो होता है उसका तंत्र, मयूर तंत्र, और बहुत बहुत ऐसी गोपनीय पक्षी भी हैं जिनके बारे में वो अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ देने वाले हैं। तो इस तरह का तंत्रों के बारे में जानकारी लगभग खो चुकी है, और इस तरह का जब भी प्रयास जो है ये बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से हमें प्राचीन दुर्लभ ज्ञानों की प्राप्ति हो रही है। तो ये सारे इस तरह के साधनाएँ जनता के बीच पहुँचे और गोपनीय से गोपनीय तंत्रों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए इनका धन्यवाद। और आप लोग भी जिनके पास भी इस तरह की कोई भी जानकारी है वो ज़रूर भेजिए, ताकि सबके सब इससे लाभान्वित हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ फेसबुक पेज पे जाकर वहाँ भी पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।